हमारे मन में वही फिर से धारणा बन जाती है कि तप करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, जो जून के महीने में बैठ जाएगा, आगे भी अग्नि जला लेगा, पीछे भी जला लेगा, दाएं भी जला लेगा, बाएं भी जला लेगा, और ऊपर से सूर्य देवता की तो जल ही रही है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति तपस्वी है। कोई एक हाथ को ऊपर करके खड़ा है कई कई वर्षों तक, वो व्यक्ति क्या है? तपस्वी है। कोई व्यक्ति अपने बाल नहीं कटवा रहा, वो क्या है? वो तपस्वी है, इसका नाम तप नहीं है। कोई बाल नहीं कटवा रहा, बाल तो भालू के शरीर पर भी बहुत है, बहुत मनुष्यों से कहीं ज्यादा, फिर क्या भालू तपस्वी हो जाएगा? नहीं। द्वंद सहनम तपः, कि जो जीवन में द्वंद्वों को सहता है, हार जीत, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जो इन चीजों में विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति तपस्वी है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आता है, तो वहां पर यक्ष महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, कि तप का लक्षण क्या है? तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज उत्तर देते हैं कि जो अपने कर्तव्य को करता है, जो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वो क्या है? वो तपस्वी है। और उससे आगे यदि आप आचार्य चाणक्य से पूछेंगे, तो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, तपः सार इंद्रिय निग्रह, कि जो अपने जीवन में जितेंद्रियता को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति क्या है? तपस्वी है। ध्यान रखना, यदि किसी के जीवन में एक भी इंद्री अपने रस्ते से भटक जाती है, फिर चाहे वो आंख हो, कान हो, हमारी जिह्वा हो, हमारी त्वचा हो, एक भी इंद्री अपने रस्ते से भटकी, तो जीवन के अंदर से ऐसे अच्छाइयां निकल जाती है जैसे मटके में यदि थोड़ा सा भी छिद्र हो तो पूरा मटका जल से खाली हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तक व्यक्ति अपने जीवन में जितेंद्रियता को प्राप्त नहीं करता, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता। और उदाहरण देना चाहूंगी महर्षि दयानंद जी के जीवन का, एक छोटी सी घटना सुना करके, कि कैसे जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो बड़े से बड़ा कार्य समाज और देश के अंदर कर जाता है, वो अपने पद से विचलित नहीं होता। एक गांव में एक सन्यासी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि देखो, मुझे प्रवचन करते हुए बहुत दिन हो गए, अब मेरा अंतिम व्याख्यान होगा, और जो मेरा अंतिम व्याख्यान होगा वो मात्र आधे मिनट का होगा। आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड का मेरा व्याख्यान होगा। उनके शिष्यों ने पूरे गांव के अंदर ये घोषणा करा दी कि जो सन्यासी आए हैं वो अपना अंतिम व्याख्यान देंगे, और अंतिम व्याख्यान मात्र आधे मिनट का होगा। लोगों ने सोचा आधा मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं, आधे मिनट में तो क्या जाता है, सब चलो सुनने के लिए। उस आधे मिनट के प्रवचन को सुनने के लिए सब वहां पर पहुंच गए, और जब लोग पहुंच गए तो वो सन्यासी अपने स्थान पर आकर के बैठे, सिंहासन पर आकर के बैठे, और लोगों से कहा, क्या मेरे आधे मिनट का प्रवचन सुनने के लिए सब तैयार हैं? सबने हाथ उठा दिए, हाँ हम सब तैयार हैं। उन्होंने कहा, मेरे आधे मिनट का प्रवचन शुरू होता है अब। जो व्यक्ति दुनिया के विषय भोगों से नहीं हिला, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। मेरा प्रवचन खत्म। केवल एक बात कही, जो व्यक्ति दुनिया के विषय भोगों से नहीं हिला, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये बात यदि मैं महाभारत के पश्चात से लेकर आज के समय तक यदि किसी पर घटाऊं, तो मुझे केवल और केवल एक व्यक्तित्व नजर आता है, और वो व्यक्तित्व है महर्षि स्वामी दयानंद, जिनके सामने क्या क्या प्रलोभन नहीं आए। उदाहरण दिया जा रहा था राणा सज्जन सिंह का, ये कहा था, दयानंद केवल मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दे, ये एक लिंग की गादी जिसके ऊपर लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, उस समय लाखों का चढ़ावा, आज उसकी कीमत की आप कल्पना करना। महर्षि दयानंद चल पड़े थे, राणा सज्जन सिंह ने यही कहा था, दयानंद इतना बड़ा ऑफर देने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं मिलेगा मेरे अलावा। महर्षि दयानंद घूम गए और कहने लगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे अलावा मुझे इतना बड़ा धन देने वाला, इतना ज्यादा धन देने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तू भी मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले, इतने
बड़ी संपत्ति को ठोकर मारने वाला भी दयानंद के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अरे तेरे इस छोटे से साम्राज्य को तो ये दयानंद दो कदमों में पार कर जाएगा। उस परम पिता परमेश्वर का इतना बड़ा साम्राज्य है, उसे मैं कैसे पार करूंगा। बंगाल के अश्विनी कुमार दत्त ने पूछा था, हे महर्षि दयानंद, क्या कभी मन में काम के भाव नहीं आते? क्या कभी मन में काम की बातें नहीं आती? ऋषिवर दयानंद कुछ सेकंड ठहरे, आंखें बंद की और आंखें खोल करके कहा, हे अश्विनी कुमार, मेरे पास इतने काम है कि काम के लिए समय ही नहीं है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लिया था, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया था, तो फिर कितने बड़े बड़े कार्य कर दिए।